नमस्कार किसान साथियों, बात कर लेते हैं प्याज को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण गुड न्यूज निकल कर आ रही है, क्योंकि किसान साथियों प्याज के किसान भाइयों के लिए खास तौर पर बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज निकल कर आ रही है। क्योंकि किसान साथियों आने वाला जो महीना है, अगला महीना 10-12 दिन बाद जो तेजी है किसान साथियों, कहीं ना कहीं भयंकर तेजी की जो आसार है वो नजर आ रही है। तो दोस्तों क्या कर रहे हैं, कौन से तरह से जो तेजी आने की संभावना है, तो इस वीडियो में मैं आपको सटीक से बताऊंगा। चलिए दोस्तों वीडियो को जान लेते हैं और शुरू कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि किसान साथियों जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस अपडेट और रिपोर्ट में भी बताया गया है, प्याज की कीमतों पर जो प्याज की कीमतें हैं वो फिर बढ़ने लगी हैं। हर साल की तरह इस समय प्याज की कीमतों में तेजी आने लगी है, मतलब तेजी आने के दौर में जो कीमतें हैं वो तेजी आने के दौर में, हालांकि उनकी वजह भी होती है, फिर ये कीमतें नवंबर में आसमान छूने लगती है। तो अगला जो महीना है किसान साथियों, कहीं ना कहीं किसान साथियों अगले महीने में जो तेजी आने की संभावना है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि किसान साथियों नवंबर महीने में अच्छी खासी पकौड़ और अच्छी खासी जो तेजी है प्याज को लेकर देखने को मिलती है। किसान साथियों हर साल की तरह इस साल भी जो तेजी आने की संभावना है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 7-8 दिन बाद जो अगला महीना स्टार्ट हो जाएगा, अक्टूबर के बाद नवंबर महीना स्टार्ट हो जाएगा, तो नवंबर महीने में कहीं ना कहीं भयंकर तेजी के साथ भयंकर पकड़ भी देखने के जो आसार है वो किसान साथियों नजर आने लगे हैं। और किसान साथियों अगर प्याज के डिमांड की बात करें तो विदेशों से काफी ज्यादा डिमांड भी निकल कर आ रही है, और अगर प्याज निर्यात हुआ तो और ज्यादा तेजी आने के जो आसार है वो नजर आने लगेंगे। अगर अपने इंडिया के प्याज की स्थिति की बात करें तो इस वर्ष जो प्याज है काफी ज्यादा कीटनाशक की तरह वजह से, बीमारियों की वजह से प्याज काफी ज्यादा बर्बाद भी हुआ है, और कहीं ना कहीं आंधी तूफान का भी असर इसके रेट पर किसान साथियों जरूर देखने को मिलेगा।